बस एक मंत्र बना देगा अमीर, चारों तरफ से होगी पैसों की बारिश। दोस्तों, आजकल पैसा कमाने के लिए लोग हर तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको अमीर बनने की कुछ अलग चीज बताने जा रहे हैं, जिसमें आप आराम से मालामाल हो जाएंगे। शास्त्रों का मत है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर धनवान या गरीब होता है, परंतु यदि व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में एक आसान सा उपाय बताया गया है। वही कुछ जानकारों का कहना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग के बल पर या फिर कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी यह दोनों ही बल समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि निर्बल के बल राम या धर्म के करो कोई उपाय। मंत्र आपको बना देगा धनवान। जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए रोजमर्रा कई उपाय किए जाते हैं। एक ऐसा मंत्र भी है जो आपको धनी बनाने के साथ साथ अवश्य ही हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। स्नान मंत्र है, गंगे च जमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् च गुरु। ये उपाय भी है बहुत कारगर। एकादशी के दिन ये उपाय अगर करें तो बहुत लाभ होता है। यह उपाय ऐसा है जिसके विषय में विष्णु पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मेरु तंत्र भी इस बात का समर्थन करता है कि यह ऐसा उपाय है जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह उपाय सिर्फ एकादशी के दिन करना होता है। इन मंत्रों के जप से एक ही बार में पूरी हो सकती है ये अभिलाषाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं, जिनमें से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया के लगभग हर व्यक्ति के जीवन में होती है, जो है तरक्की, धन, अच्छी सेहत, शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं, जिनमें से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया के लगभग हर व्यक्ति के जीवन में होती है, जो धन, तरक्की और सेहत। क्योंकि अगर व्यक्ति की सेहत अच्छी होगी तभी वो अपने जीवन में तरक्की और धनवान बन सकता है, धन पाने के लिए कठिन परिश्रम कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये तीन ऐसी अभिलाषाएं जो व्यक्ति के जीवन के अहम भूमिका रखती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं धार्मिक शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे मंत्र जिनका जप करने से व्यक्ति की ये तीन अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञ बताते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र शामिल हैं जिनका जप करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और कार्य में उन्नति के साथ साथ धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। इन असरकारी मंत्रों का जाप करने से इंसान के सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानें सर्वप्रथम गणेश जी के इन मंत्रों के जाप से स्वास्थ्य में बेहतरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में सुख समृद्धि आती है। ओम श्री गणेशाय नमः, गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव का मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, कर्जों से मुक्ति मिलती है और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर आप एक मंत्र और जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम शय शनिश्चराय नमः। गायत्री मंत्र है, ओम भोर भुवः श्वः तत्सवितुर वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, गायत्री मंत्र है, ओम भूर भुवः श्वः तत्सवितुर वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप दिन में 5 बार करने से उन्नत और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगर आप जल्द से जल्द अपने सभी दुखों से मुक्ति चाहते हैं और अपनी किस्मत में केवल सुख ही सुख चाहते हैं तो आपको इन तीनों में से किसी एक चीज को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार अगर ये तीन चीजें आप अपने घर में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में आने को विवश हो जाती हैं, आपको धन दौलत देकर जाती हैं। आइए जानते हैं वह चीज। एक है हनुमान जी की मूर्ति। कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति अर्चना और आराधना से
हर तरह के कष्ट संकट दूर होते हैं इस कलिकाल में। वह घर की यानी कि आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर लगा देते हैं, फोटो तस्वीर लगा देते हैं, तो घर में आने वाली हर तरह से परेशानी दूर हो जाती है और आप अमीर बन जाते हैं, कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर नियमित रूप से पूजन करें, दो वास्तु भगवान की मूर्ति आपको अपने घर में लगानी है और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति भी सबसे शुभ होता है और घर में केवल धन ही धन आएगा। तीन पानी की सुराही, ऐसा भी मानते हैं कि पानी की सुराही घर में धन लाती है और घर के उत्तर दिशा में पानी से भरी सुराही रख दी जाए तो घर में धन की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सुराही कभी खाली ना रखी जाए क्योंकि इससे धन की हानि होती है, तो हमेशा भर के रखें। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, यारों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।